हाँ, तुम्हारी गाड़ी के स्टार्ट होने से आँख खुली मेरी। मैं तो परेशान हो गई। हाँ, जाहिर है अब उसकी वहां ज्यादा जरूरत होगी। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। रूमी का भाई है ना छोटा, हारिस, उसके बाजू में गोली लगी है। ओ, और कितने दिन रहेंगी वो वहां पर? अभी जाहिर है भाई, उसका भाई है, अब कुछ दिन तो रहेगी ना वो वहीं। वो तो ठीक, लेकिन घर के काम कौन करेगा? उसके चक्कर में हमने हसीना को भी निकाल दी, और महीन भाभी, वो तो उठकर किसी को पानी ना पिलाएं, काम क्या करेंगी वो? पता नहीं, अब तो बहाना मिल गया भाई के जख्मी होने का। पता नहीं कितने दिन रहेगी वहां। माहिन की तो बात रहने ही दो, वो तो मरते हुए को पानी भी नहीं पिला सकती। ये पड़ोस में है ना राशिदा, उसने एक दो कामवाली बताई थी मुझे। मैंने तो ये रूमी को ना रगड़ा देने के चक्करों में ना उसे जवाब नहीं दिया था। अब उन्हीं में से बुलाती हूँ किसी एक को। हमें जिसे भी रखेगा प्लीज, ऐसी कोई रखना जिसे खाना बनाना आता हो। अच्छा भाई, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं। अब मौका ही ऐसा था कि मैं उसे जल्दी आने के लिए कह भी नहीं सकती। खैर, जी ले कुछ दिन अपनी जिंदगी वहां, फिर आना तो उसने यही है ना।